पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि एलरिन को प्रेटोर की सच्चाई के बारे में पता चलता है कि वो एक मॉर्फिंग मास्टर है और उसके ही लोगों ने सबसे पहले मॉर्फिंग ग्रिड के बारे में पता लगाया था और साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि क्यों उसके यूनिवर्स को मॉर्फिंग ग्रिड से अलग करके रियलिटी के बाहर कर दिया गया। और फिर एलरिन सुरक्ष के कई सारे टुकड़े करके एक एक टुकड़े रेंजर्स को दे देती है और वो सभी रेंजर्स जैसे ही अपने मॉर्फस से सुरक्ष के टुकड़े को टच करते हैं वो इस यूनिवर्स के सबसे ताकत और पावर रेंजर्स में मॉर्फ हो जाते हैं, यानी कि सोलर रेंजर्स में मॉर्फ होते ही प्रेटोर को पता चल जाता है और उसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता है। वो सोचता है कि अगर वो लोग कामयाब हो गए तो इस यूनिवर्स को दोबारा से रिकनेक्ट कर देंगे और प्रेटोर अपनी आर्मी के साथ वहां पर पहुंच जाता है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत होती है प्रेटोर से जो निंजस पर अपनी शॉट की मदद से एक स्ट्राइक करता है। वो उनसे कहता है कि उसे वो सोलरक्स लौटा दें, वरना वो उन सभी को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर देगा। एलरिन प्रेटोर से कहती है कि यहाँ पर अब और सोलरक्स नहीं है, जो है वो हमारा है। तो उसे देखकर प्रेटोर कहता है, ओ और सोलरक्स, ऐसा करके तुमने मेरा काम और भी आसान कर दिया है। तुम सब बेवकूफ हो, अगर मैं सोलरक्स के एक भी टुकड़े को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो जाता हूँ तो तुम फिर कभी भी मॉर्फिंग ग्रिड से इस यूनिवर्स को कनेक्ट नहीं कर पाओगे। मैंने तुम सभी को इससे भी एक बेटर ऑफर दिया था लेकिन तुम सभी नहीं माने। तो एलरिन कहती है, झूठ, ये सब झूठ है। तुम काफी लंबे समय से झूठ बोलते ही आ रहे हो। तुम्हें अपनी बनाई हुई खुद की कहानियों पर यकीन था। अगर तुमने शान से मेरे लोगों के लिए अपनी कुर्बानी दी होती तो आज वो जिस हालात में है वो उस हालात में नहीं रहते। लेकिन तुम्हारे रेंजर्स ने वो नहीं किया जो तुमने किया, वो मेरे लिए विरासत में कुछ छोड़ के गए। ये रेंजर्स जो आज मेरे साथ खड़े हैं वो मेरे रेंजर्स हैं और वो तुम्हारे खिलाफ खड़े रहेंगे और अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा मुकाबला करेंगे, फिर चाहे जो कुछ भी हो जाए। दूसरी तरफ रिम भी प्रोमेथिया के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है और वो सभी प्रेटोर के सोल्जर्स के खिलाफ जंग की शुरुआत कर देते हैं। टीजे रेंजर्स से कहता है कि रेंजर्स चिंता मत करो, मैं इन सोल्जर्स को आराम से हैंडल कर लूंगा। सैम कमांडर से कहता है, कमांडर क्या आप मुझे सुन सकते हैं? तो कमांडर कहते हैं, यस सैम, बोलो। सैम उनसे कहता है, आपको याद है सोलरक्स जिसकी मदद से हमने इस जगह का पता लगाया था? यहाँ आकर हमें पता चला कि ये यूनिवर्स कैसे मॉर्फिंग ग्रिड से अलग हुआ था, लेकिन ये बहुत ही लंबी कहानी है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी मेरी बात ध्यान से सुने, कोई भी एनर्जी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं होती है बल्कि सोलरक्स उसे स्टोर करता है। तो अगर हम सोलरक्स की मदद से इस प्लैनेट की बची कुची मॉर्फिंग एनर्जी को इस्तेमाल करके उसे एक सिंगल ब्लास्ट की तरह स्पेस में फायर करें तो हम लोग इस यूनिवर्स को मॉर्फिंग ग्रिड से रिकनेक्ट कर देंगे। उसकी बात सुनकर कमांडर टेरोना कहता है, बहुत अच्छे सैम, ये तो बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया है। मैं तब तक अपनी कैलकुलेशन करता हूँ कि हमें ऐसा करने में कितनी मॉर्फिंग एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन क्या तब तक तुम उसे उलझाए रख पाओगे? तो किम कहती है, शायद ऐसा करना अब थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो इस वक्त हमसे खेलने के मूड में है। प्रेटोर रेंजर्स से कहता है कि तुम सब सच्चाई को देख नहीं पा रहे हो, तुम नहीं देख पा रहे हो कि असलियत क्या है, ये यूनिवर्स मेरे बलिदान के लायक ही नहीं है। रेंजर्स उससे कहते हैं कि जो तुमने हमारे साथ किया और जो कुछ भी तुमने हमसे छीना, तुम जानते थे कि इन सब का कोई मतलब ही नहीं निकलने वाला था, तुम जानते थे कि इन सब का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने ये सब किया। तुम इस यूनिवर्स की मदद कर सकते थे लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। एल्ड्रिन रेंजर्स कहती है, रेंजर्स मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे एनिमल्स, तुम्हारे जॉर्ड्स और इस प्लेनेट की मॉर्फिक एनर्जी जिसकी मदद से हम लोग सोलर मेगाजॉर्ड्स को क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद रेंजर्स इस प्लैनेट की पूरी एनर्जी को इस्तेमाल करके सोलर मेगाजॉर्ड्स को क्रिएट करते हैं। उन जॉर्ड्स को देखकर प्रेटोर कहता है, ओ रेंजर्स, तुम्हारे बेकार के खिलौने, मैं एक मॉर्फिंग मास्टर हूँ। और इसी के साथ जंग की शुरुआत हो चुकी थी। एक तरफ प्रोमेथिया के लोग जो बहुत ही बहादुरी से प्रेटोर के सोल्जर्स का मुकाबला कर रहे थे, तो दूसरी तरफ रेंजर्स जिन्होंने प्रेटोर को अपने मेगाजॉर्ड की मदद से उलझाया रखा था। किम कहती है, कमांडर टेरोना, ये ज्यादा देर तक चलेगा नहीं, हम लोग इसे ज्यादा देर तक उलझाए नहीं रख सकते। तो कमांडर टेरोना कहता है, बस थोड़ी देर और रेंजर्स, बस कैलकुलेशन होने ही वाली है। प्रेटोर अपनी शॉट की मदद से
एलरिंग पर एक स्ट्राइक करता है, लेकिन एंड्रूस उससे बचा लेता है। वो कहता है कि तुम लोग हमेशा मुझसे नहीं बच पाओगे रेंजर्स। और फिर कमांडर टेरोना कहते हैं, रेंजर्स मैंने एनर्जी के उस लेवल का पता लगा लिया है जिससे तुम इस यूनिवर्स को दोबारा मॉर्फिंग ग्रिड से जोड़ पाओगे, लेकिन शायद ये तुम्हें पसंद ना आए क्योंकि ऐसा करने के लिए तुम्हें सोलोरक्स को वापस फिर से एक साथ लाना होगा। और फिर ऐसा करने के बाद तुम लोग इस प्लैनेट की सारी एनर्जी को मिलाकर एक ब्लास्ट फायर करोगे जिससे ये यूनिवर्स मॉर्फिंग ग्रिड से रिकनेक्टेड हो जाएगा। तो फिर सैम कहता है, ओ फिर इसके बाद हम लोग घर जा पाएंगे। तो फिर किम कहती है, हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग सोलोरक्स को एक साथ कैसे लाएंगे। तो सैम कहता है, रेंजर्स क्या तुम सभी को याद है कि जब मॉन्स्टर को हराने के बाद वो बड़े हो जाते थे तो हम लोग अपने जॉर्ड्स के साथ क्या करते थे। सैम एल्ड्रिन से कहता है, एल्ड्रिन अभी तक तो हमने जॉर्ड्स की सबसे खास बात तो तुम्हें बताया ही नहीं कि ये एक दूसरे से जुड़ भी सकते हैं। और इधर प्रेटोर अपने शॉट को उठाकर रेंजर्स पर अटैक करने वाला होता ही है। तो सैम कहता है, ओ प्रेटोर अब वक्त आ गया है तुम्हारी बराबरी का होने का। और इसी के साथ वो अपने जॉर्ड्स को क्रिएट करके इस यूनिवर्स का सबसे ताकतवर मैक्सजॉर्ड सोलर मैक्सजॉर्ड को फॉर्म करते हैं। फिर कमांडर टेरोना कहते हैं, तो अब जबकि सोलोरक्स वापस एक साथ आ चुका है तो तुम्हें मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के बीच खड़े होकर इस प्लैनेट के सारे मॉर्फिक एनर्जी को इकट्ठा करके एक बीम फायर करनी होगी। और इसके बाद रेंजर्स ऐसा ही करते हैं, वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के बीचों बीच खड़े होकर सारी मॉर्फिक एनर्जी को इकट्ठा करके उसे अपने मेगाजॉर्ड से फायर करते हैं। और ये यूनिवर्स दोबारा मॉर्फिंग ग्रिड से रिकनेक्टेड ना हो इसलिए इसे रोकने के लिए प्रेटोर उस बीम के बीच आ जाता है, लेकिन वो बीम प्रेटोर को चीरते हुए निकल जाती है। और इसी के साथ प्रेटोर की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। और वो बीम स्पेस में जाकर इस यूनिवर्स को मॉर्फिंग ग्रिड से जोड़ देती है। सैम कहता है, मैं अपने यूनिवर्स को महसूस कर सकता हूँ। ग्रिड से कनेक्टेड होते ही इस यूनिवर्स में एक नई लाइफ की शुरुआत हो चुकी थी। रेंजर्स एल्ड्रिन के पास जाते हैं और उसे सोलोरक्स वापस कर देते हैं। ग्रेसी रेंजर्स से कहती है, गाइस पता नहीं अब हम लोग और कितने देर इस यूनिवर्स में रुक पाएंगे, और हम तो ये भी नहीं जानते हैं कि उस तरफ दूसरी दुनिया में क्या चल रहा है। क्या ड्रैगन अपने इरादों में कामयाब हो गया होगा या फिर हमारे दोस्तों ने उसे डिफीट कर दिया होगा। किम एल्ड्रिन को सोलोरक्स को वापस देते हुए कहती है, मुझे लगता है कि सोलोरक्स तुम्हारे पास रहना चाहता है, लेकिन अब एल्ड्रिन हमारे जाने का वक्त हो चुका है। एल्ड्रिन तानिया से कहती है, तुम जियो क्रिस्टल्स के लिए परेशान हो, कहीं ये किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए। तो तानिया कहती है, वो ऑलरेडी सही हाथों में है तुम्हारे। फिर एल्ड्रिन कहती है, मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी किस्मत ने हमें एक दूसरे से मिलवाया। और जाते जाते किम कहती है कि मॉर्फिंग मास्टर्स को तुम्हारे लोगों पर यकीन है कि वो इन क्रिस्टल का इस्तेमाल अपने लोगों की भलाई के लिए करेंगे, तो अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है एल्ड्रिन। और फिर वो सभी के साथ उस तेज रोशनी के अंदर चली जाती है जो उन्हें उनके सही समय और सही वक्त पर पहुंचाएगा। और उसके बाद एल्ड्रिन रिमी का हाथ पकड़कर उसे भी एक सोलर रेंजर बना देती है, और दोनों मिलकर इस नए यूनिवर्स का उगता हुआ सूरज को देखते हैं जो इस यूनिवर्स में जिंदगी की एक नई शुरुआत करेगा। और इसी के साथ अंधेरे को मिटाने के बाद हमारे रेंजर्स भी एक एक करके अपने टाइमलाइन में लौटने लगते हैं, और यहीं पर हमारी इस सीरीज का एंड होता है। We'll be right back.